ओम गंगणपते नमः। जय मातारा। पार्षद ज्योतिर्विज्ञान में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम शनि के मकर राशि में गोचर करने पर कन्या राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, इस विषय में वार्ता करते हैं तथा इस वीडियो के अंत में कन्या राशि के जातकों को होने वाली समस्याओं से निवृत्ति किस प्रकार प्राप्त होगी, इस विषय में भी वार्ता करेंगे। कन्या राशि के जातकों के 24 जनवरी सन 2020 को शनि पंचम स्थान में अवस्थित हो गए हैं तथा यहां से सप्तम स्थान, भाग्य स्थान, कर्म स्थान के साथ साथ लग्न स्थान को विशेष प्रभावित करेंगे। लाभ स्थान को भी शनि सप्तम दृष्टि से दृश्यमान करके सीधे सीधे प्रभावित करेंगे। कन्या राशि के जातकों के शनि चूंकि 24 जनवरी सन 2020 को शनि उत्तराषाढ़ नक्षत्र में, जो कि सूर्य के अधिपत्य में है, तथा 22 जनवरी सन 2021 को श्रवण नक्षत्र में, इसके पश्चात 17 फरवरी 2022 को शनि धनिष्ठा नक्षत्र में पदार्पित होंगे, जिसके अधिपति मंगल हैं। अतः कन्या राशि के जातकों पर इन स्थितियों में शनि के आने पर विशेष स्थितियां प्रदर्शित होंगी। सीधे सीधे यहां इन स्थानों से संबंधित स्थितियों को शनि इन दिनांकों पर प्रभावित करेंगे। इसी के साथ साथ यह भी बताएं कि शनि 9 मई सन 2020 को प्रातः 6:33 पर वक्री होना प्रारंभ करेंगे तथा 13 मई सन 2020 को 9:03 तक वक्र गति से चलेंगे। इसके पश्चात शनि 1 अक्टूबर सन 2020 को प्रातः 9:16 पर मार्गी हो जाएंगे। पुनः इसके पश्चात 21 मई सन 2021 को दोपहर 12:30 शनि पुनः मार्गी होना प्रारंभ करेंगे तथा 25 मई 2021 को दोपहर 3:15 तक वक्र ही स्थिति में रहेंगे और वक्र स्थिति से मार्गी होना प्रारंभ कर देंगे। इसके पश्चात 13 अक्टूबर सन 2021 को 6:17 पर शनि पुनः मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। इन दिनांकों पर तथा इनके बताए गए इस समय पर शनि विशेष स्थितियां प्रदर्शित करेंगे। इनसे संबंधित स्थानों पर होने वाले हानि तथा लाभ प्रदान करेंगे। तो इसके साथ साथ यह भी विवेचना करते हैं कि इन स्थानों से संबंधित किन किन स्थितियों पर शनि अपना प्रभाव डालेंगे। कन्या राशि के पंचम स्थान में स्वय राशि के शनि आए हैं और यहां शनि कन्या राशि के लिए विशेष स्थिति लेकर आए हैं। कन्या राशि के जातकों को तीव्र बुद्धि का मालिक बना देंगे तथा तीव्र बुद्धि से कार्य करने तथा कार्य निकालने में कन्या राशि के जातक अपने आप को सक्षम पाएंगे। शनि यहां सीधे सीधे इनको लाभ प्रदान कर रहे हैं। जिन जिन दिनांकों में शनि वक्री होंगे, इन दिनांकों में आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। आपकी बुद्धि कौशल का विशेष प्रदर्शन होगा और उससे फल भी प्राप्त होंगे। परंतु कन्या राशि के जातकों को यह विशेष ध्यान रखना चाहिए, वक्र गति में आने वाली स्थिति में और वक्री होने वाले समयों में शनि इन्हें शारीरिक समस्या का सामना करने की स्थिति में डाल सकते हैं। ग्रह में कलेश की अवस्थाएं बन सकती हैं तथा जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी समस्या परिवर्तित हो सकती है। विशेष तौर पर नर्वस सिस्टम तथा अस्थि रोग को लेकर समस्या सामने आ सकती है। और यदि किसी कन्या राशि के जातक नहीं कन्या राशि के जातकों के जीवन साथी को किडनी अथवा लीवर से संबंधित समस्या हो तो इन समयों पर उन्हें विशेष ध्यान रखना चाहिए। आगे हम इसके विषय में उपाय भी बताएंगे। कन्या राशि के जातकों को यहाँ शनि लाभ को खासा प्रभावित करेंगे। हमारी विवेचना के अनुसार
कार्यों में तो आपको सफलता मिलेगी, परंतु लाभ के सुअवसर प्राप्त नहीं होंगे। लाभ के सुअवसरों में आपको समस्या स्थित होगी तथा आपके कार्यों का फल लाभ में परिवर्तित होने में समस्या आएगी। स्वयं के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, विशेष तौर पर जिन कन्या राशि के जातकों को थायराइड की समस्या है। अब विवेचना करते हैं इस समस्या से इन समस्याओं से निवृत्ति के लिए शनि के क्या उपाय करने चाहिए। कन्या राशि के जातकों को जिन जिन दिनांकों में शनि वक्री हुए हैं तथा उसी समय के अनुसार भगवान शंकर जहां शिवलिंग रूप में स्थित हों वहां पर जाना चाहिए तथा भगवान शंकर के दक्षिण ओर खड़े होकर सरसों के तेल का दीपक जलाकर हाथ जोड़कर भगवान शंकर तथा शनि भगवान की स्तुति करनी चाहिए। दशरथ कृत स्तुति भगवान शनि की करने से आपको इन समस्याओं से निवृत्ति प्राप्त होगी। इसके साथ साथ इन्हीं दिनांकों में जिन दिनांकों में शनि वक्री हुए हैं उसी समय पर आप शमी के 108 पत्ते अथवा 54 पत्ते अथवा 27 पत्ते जितने आपको सुलभता से प्राप्त हो सकते हैं। यदि शमी के पत्ते प्राप्त नहीं होते हैं तो आपको तुलसी के पत्ते भगवान शंकर पर ओम शनिये नमः भगवान शनि के सूक्ष्म मंत्र अथवा जो भगवान शनि की ऋग्वेदोक्त ऋचा करने में सक्षम है ओम सन्नो देवी रविष्टा आपो भवन्तु पीतियो संयो रवि शर्वन्तु नः मंत्र अथवा त्र्यंबकम यजा महे त्र्यंबक यजा महे ऋचा मृत्युंजय मंत्र से भी भगवान शंकर को अर्पित कर सकते हैं। इससे आपकी समस्याओं की निवृत्ति होगी तथा आपके मार्ग सुगम होंगे, सुलभ होंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु।